कभी-कभी घर में खाना ज़्यादा बन जाता है किसी कारण से, या तो मेहमान कोई आने वाले रहते हैं और वो नहीं आते हैं, या फिर हमसे ही ज़्यादा बन जाता है, तो चावल सब्जी या रोटी जो भी ज़्यादा बन जाती है। तो आज मुझसे चावल ज़्यादा बन गए हैं, एक पर्सन खाए उतने चावल ज़्यादा बन गए। तो मैंने सोचा कि अभी ही इसका कुछ बना लेती हूँ ताकि शाम के नाश्ते का तैयारी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये घर के ही जो मसाले रहते हैं ना, उनसे बना है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी चावल बने हैं। तो अगर आपके घर में भी चावल ज़्यादा बन जाते हैं तो टेंशन मत लीजिएगा, इस तरीके से ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको सबको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है और उसमें 1 चम्मच मैंने तेल डाल दिया और 1 चम्मच मैं इसमें घी डाल रही हूँ। आप बटर भी डाल सकते हैं, और मैंने ये जीरा डाला है इसमें, और डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। तो 1 चम्मच ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। अभी खड़े मसाले में मैं थोड़ी सी दालचीनी का टुकड़ा और 2 लवंग डाल रही हूँ। साथ में डाल दी है मैंने 1 हरी मिर्ची कट की हुई तीखी है, और ये डाल दी है मैंने, और बारीक कटी हुई मैं प्याज डाल रही हूँ इसमें। तो अभी इसमें ज़्यादा तीखा कुछ डाला नहीं है, हरी मिर्ची डाली है वो भी बीच में से कट करके डाली है। तो थोड़ा सा तीखा करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स, और थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दी है हल्दी कलर के लिए, और इसे मिक्स कर देंगे सब मसाले को। तो कलर के लिए फिर से मैं इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच मैंने वो डाल दिया है इसमें ताकि इसका कलर अच्छा आए। और अब मैंने डाल दिया है टमाटर बारीक कट किया हुआ, जिसके छिलके भी निकाल दिए थे मैंने और बीज भी निकाल दिए थे, वो टमाटर मैंने इसमें डाल दिए हैं, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैंने ये सोयाबीन वड़ी ली है, इसे मैंने 2 मिनट के लिए गला दिया था गर्म पानी में और 2-3 पानी में अच्छे से धो लिया था। और ये मटर भी मैंने उबाल लिए थे, दोनों को अलग अलग मैंने उबाला था और दोनों में मैंने नमक डाला था। तो मटर को पकने में थोड़ा टाइम लगता है, और सोयाबीन की वड़ी हम गर्म पानी में डालेंगे और थोड़ी देर के लिए रखेंगे, आधा 1 घंटे के लिए, तो वो अच्छे से फूल जाती है। तो उसे 3-4 पानी से अच्छे से धो लेना चाहिए। तो अभी ये सब मैंने डाल दिया है इसमें और अच्छे से मिक्स कर दिया। अब मैंने इसमें डाल दिया 2 छोटी चम्मच पानी, ताकि जो भी मसाला है थोड़ा गीला हो के और सोयाबीन में और इसमें अच्छे से मिक्स अंदर तक चला जाए। स्वाद अनुसार मैं नमक डाल रही हूँ, पहले मैंने सोयाबीन में और मटर में नमक डाल के इन्हें बॉईल किया था, इसलिए मैंने नमक कम डाला है। टेस्ट करके ही नमक डालिएगा। और अभी मैंने थाली ढाक दी है कढ़ाई पे, और 2 मिनट के लिए मैंने इसे ढक के पकाया है। तो देखिए इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, और बहुत अच्छा यह मसाला लग रहा है, दिख भी रहा है, खाने में भी बहुत टेस्टी था। तो ये देखिए ताज़ा चावल है जो मैंने बनाए थे, बहुत सारे बच गए थे, तो फिर मैंने ये रख दिए है 1 पर्सन के। अभी ये इसमें मसाले डाले हैं और सोयाबीन और ये मटर वगैरह डाले हैं, तो कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं। तो ये चावल मैंने इसमें डाल दिया है, और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। और इसे मिक्स करने के बाद हम इसे ढक देंगे, तो 2 से 3 मिनट तक इसे ढक के अच्छे से पका लेना है, ताकि जितना भी मसाला है चावल है थोड़े और अच्छे से पक जाए और अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये 3 मिनट बाद मैंने इसे प्लेट को हटा लिया है कढ़ाई पे से, और देखिए हमारे चावल बन के रेडी हैं फ्रेंड्स। तो जो भी पर्सन ये खाते हैं, जैसे नॉनवेज खाते हैं ना, पुलाव मटन पुलाव, वैसा ही इसका स्वाद आएगा फ्रेंड्स। हमने सोयाबीन डाला है तो दिखने में तो ये वैसे ही लगते हैं, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा गजब का इनका टेस्ट रहता है, बहुत ज़बरदस्त ये चावल बनते हैं। खड़े मसाले में मैंने सिर्फ थोड़ी सी ये दालचीनी और 2 लवंग ही डाले हैं, तो भी इनका टेस्ट, इनकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर चावल बच जाते हैं, ज़्यादा बन गए हैं या बच भी गए हैं, तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ठंडे चावल का भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो ये मैंने बना लिया है मसाला पुलाव, जो आपको बेहद पसंद आएगा। अब मैं तो इसे मसाला पुलाव ही बोलूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और शायद आप बनाएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। मैंने इसके ऊपर डाल दिया है थोड़ा सा हरा धनिया कट करके, और हरी प्याज रहती है वो डाल दी है मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर कट करके। तो फ्रेंड्स जरूर ट्राई कीजिएगा ये मसाला पुलाव, इसमें आप और भी वेजिटेबल्स जैसे गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी या फ्लावर आप मिक्स कर सकते हैं इसमें, उन्हें बॉईल करके आप इसमें डालिएगा, बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट आता है, बहुत गजब की ये जो चावल की रेसिपी है ये बनती है। अगर घर में बच गए हैं तो टेंशन ना लीजिए, और ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर आती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।